चलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से खेलने वाले हैं सेकिरो। तो आपको याद ही होगा कि पिछले एपिसोड में हमने गेनचिरो भैया को मार दिया था। दूसरी बार फाइट हुई थी, वैसे हमारी पहली बार हमारा हाथ तोड़ दिया था, इस बार हमने हरा दिया। लेकिन क्योंकि वो इमॉर्टल बन चुका था रेजुविनेटिंग वाटर से, सो अफसोस वो जिंदा है अभी भी। तो फिलहाल हमें एक निंजित्सु वाली कोई चीज़ मिली है, देखेंगे इसको भी क्या है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ना कहाँ जाना है, क्योंकि कई सारी जगह बची थी वहां पे हमें जाना होगा। अब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। फिलहाल थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ लूटने को ही मिल जाए, मतलब है ना भैया, थोड़ा फायदा हो जाएगा अपना। तो फिलहाल गाइस ये एक जगह है और यहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए, अब जगह दे रखी है तो। ओके, एक बंदा है, ठीक है। ओके, ओ भाई ये चीज खतरनाक थी। तो निंजित्सु अटैक का ये बेसिकली डेथ ब्लो पे काम करता है, मतलब हम पीछे से हमला करें तब तो धुआं धुआं निकल जाता है इसको यूज करके। और आप देख सकते हो मेरी स्प्रिट एम्ब्लम यूज हुई है, कोई बात नहीं। ओ भाई मारोगे क्या? ओहो शिट, मेरा वेस्ट हो गया, गया। काफी टफ थे ये तो बोलना ही पड़ेगा, काफी ज्यादा टफ थे। फिलहाल यहाँ पे देखते क्या पे है, मतलब क्या है। ओ भाई भाई भाई, दो बंदे, ओके। ओ तेरी बच गया यार, काउंटर अटैक कर देता, फोन नहीं पाया। लेकिन देखो इस बार हो गया, खेल खलास। एक सेकंड, ये जानी पहचानी सी जगह है। और भाई यहाँ पे तो हम आ चुके हैं एक, ओके गाइस, ये बस एक बैक साइड एंट्रेंस थी यहाँ पे आने की। यहाँ पे तो बॉस फाइट होती, ऊपर जाके गेनचिरो से भिड़े थे हम, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा एक नई जगह मिली है, बस मुझे लगा, चलो कोई बात नहीं। तो गाइस ट्रेवल करते हैं। जिसने मैं रेड्स को मारने के लिए बोला था, मेरे ख्याल से उसके पास वो कुछ हमें देगा आई गेस, क्योंकि उसने बोला था कि भैया कुछ बंदों को मारो वगैरह वगैरह। तो हम चलते हैं वहां पे और उससे लेते हैं। मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बात करते गाइस, looks like you've caught, तो बोल रहा है कि भैया लग तो रहा है कि तुमने कुछ लोगों को पकड़ा है, मारा है, और मुझे मालूम था कि तुम्हारे अंदर एक टैलेंट है मारने का, तो रिवॉर्ड दे रहा है ये अशीना एसोटेरिक टेस्ट, मतलब टेक्स्ट, पता नहीं क्या। मेरे ख्याल से ये एक कोई किताब है जिससे हम अपनी स्किल्स बढ़ा सकते हैं, आगे ऐसा कुछ है। लिखा भी भैया हिस्ट्री है अशीना अशीना की, भाई इशीना अशीना जो है वो बहुत ही खतरनाक बंदा है, पूरा अशीना क्लैन का आई गेस वो यही है। बस इन्होंने मुखौटा मुखौटा लगा रखा है। तो ये कह रहा कि भैया कुछ टेक्निक्स हैं, फाइटिंग टेक्निक्स, कोई भी इजी टेक्निक नहीं है, बहुत ही टाइम लगेगा सीखने के लिए वगैरह वगैरह, बस सीखो और कमाल कर दो। कह रहा हेल्प करेगी हमारी रैट हंटिंग करने में, मतलब वही बॉस से फाइट करने में, और कुछ नहीं। About the ways of the Ash, it's our school. ठीक है, वही बात रिपीट कर रहा है। चलो चलते हैं, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ। फिर इन्होंने हमें कुछ चीजें दी हैं, अब देखते हैं स्किल्स में। ओके हमें ये देखो निंजित्सु का मैंने अभी देखा, और ये कई सारे हमने अपग्रेड करे होंगे तो उसी की चीजें हैं ये।
ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ। तो गाइस आप, हम आ गए हैं आशीना कैसल में, वही जगह पे। एक्चुअली देखो यार, हमें थोड़ा सा एक्सप्लोर और करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आशीना कैसल है ये बहुत ही बड़ा है। हमें अभी एक क्या कहते हैं अवर्डन डंजन मिला था, जहाँ पे कई सारी दो जगह थी आशीना डेप्स थी, जहाँ पे हम नहीं गए थे। मैंने आपको आपको याद होगा। तो लेट्स सी आगे हमारे लिए क्या क्या है। तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ और जगह होनी चाहिए, जो कि हमें कुछ मिली भी है पहले से, अभी और मिलेंगी हो सकता है, नहीं मिलेंगी तो वापस चल लेंगे। दो जगह तो है ही अपनी। फिलहाल पीछे से अटैक हुआ है। ऐसा करते हैं यहाँ के लोगों को मार ही देते हैं, ज़्यादा टाइम ही लगेगा। और ये दरवाज़ा भी हमने खोल दिया था अगर आपको याद हो तो। छोड़ो यार, स्किप मारते सबको, क्योंकि हम वैसे ही मार चुके हैं, कितनी बार मारेंगे, वरना वैसे ही लेंथ बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो की। हाँ, ये जगह हमें मिली थी, लेकिन ये जगह को हमने एक्सप्लोर नहीं करा था। ये पीछे पीछे आ रहे तो इन लोगों को मार देते हैं। अबे अबे, ये कहाँ से आ गया? ओ भाई भाई, बड़ा पता है। पीछे भी खतरनाक बंदा, ये भी खतरनाक बंदा है, इनको मारना इतना आसान नहीं है। ओके चलो, क्या वो अकेले है, 1-on-1 है तो मार ही देंगे। ओके, सामने एक सेफ पॉइंट लग रहा है मेरे को, ब्लू ब्लू सा था। फिलहाल इसको टपकाने पहले, यहाँ पे थी तगड़ी पार्टी, उसको पता ही नहीं चला। देखो मैंने बस शो ऑफ के लिए थोड़ा धुआं ये छोड़ा है, वैसे वहाँ पे सेफ पॉइंट है, सेव ही कर लेते हैं पहले। या इसको मारे, क्या करें, इनकी कुछ बातें हैं सुन भी सकते हैं, पर पहले सेव कर लेते हैं। ऑब्वियसली मर गए ना, तो फिर से इनको मारना पड़ेगा, सेव भी नहीं हुआ। कम से कम यहाँ तो शुरू तो होगा, अगर मर जाएंगे तो। रेस्ट, ओ शिट, मैंने गलती से रेस्ट कर लिया। अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, क्योंकि सामने देखो वो बंदे फिर से आ गए। ओ भाई, ये पार्ट तो बिल्कुल अनएक्सप्लोर्ड है। यहाँ पे आपने देखा कितनी सारी चीज़ें हैं लूटने के लिए, लूटेंगे भाई, क्या दिक्कत है। तो हमें कुछ ड्रैगन ब्लड ड्रॉपलेट है वो मिली है। वही देखो, इस चीज़ का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया क्यों है, और रीज़न दे दिया है, लेकिन बस देखने में इतना कुछ ऐसा ही है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ते हैं अभी। इन लोगों को फिर से पेलना पड़ेगा या भग जाएं, मार ही देते हैं आई गेस, सही रहेगा। उससे 1-on-1 करेंगे। अरे यार, अरे शिट यार, मुश्किल से गया लेकिन मर ही गया। इससे बढ़िया तो रेस्ट ही नहीं करता मैं, इतनी सी ही पावर देनी थी तो। चलो हम हेल्थ अपनी कई बार बढ़ा सकते हैं, अच्छी चीज है। तो किसी सॉल्ट की बात कर रहे हैं, प्योरिफाइंग द डेड, पता नहीं क्या चीज है ये। कई लोग बीमार पड़ गए हैं, तो ये सॉल्ट के बारे में बात कर रहे थे, पता नहीं क्या चीज़ है, अभी तक तो एक्सप्लेन नहीं है ये चीज़। इसको मारेंगे, बड़े वाले को, चुंदर को तो आराम से मार ही देंगे। गया, देखो ये है फायदा इस धुएं का, उस धुएं से इसको दिख नहीं रहा था दूसरे वाले विलेन को, और हमने उसको भी पीछे से डेथ ब्लो दे दिया। है ना कमाल की चीज़। तो निंजित्सु आइटम बढ़िया है, अब कई सारे ग्रुप में हो बंदे तो उनको टपकाया जा सकता है।
तो ये एक जगह थी, जैसे कि हमें एक अलग अलग जगह मिल चुकी है ऑलरेडी, अशिना डेप्स और आई गेस सैन पाओ टेम्पल, क्योंकि उसकी बात हुई थी, और ये भी कोई जगह है। तो मेरे ख्याल से हमें इसको पूरा एक्सप्लोर करना पड़ेगा। यहाँ पे चलते हैं और अपना लूटते हैं पहले जो हमें चीज़ें मिली हैं। फिर देखो अब तीन जगह हो गई हैं, सैन पाओ टेम्पल, अशिना डेप्स जो कि बिल्कुल एक्सप्लोर है, और ये भी जगह, अब पता नहीं कौन सी जगह ये। फिलहाल यहाँ पे तगड़े हमले हो गए, मेरी पावर तुरंत चली गई भाई। ओ भाई क्या है ये, इससे अटैक करूं? यही सही है, दूर से मार भी सकता हूँ। अरे फिर गिरा दिया, ठीक है अब मैं अंदर हूँ, अब नहीं गिरा पाएगा भाई। ये तो विलन भी नहीं है, मतलब तब भी इतना इजी नहीं है ये। यही तो खासियत है इस गेम की, एक छोटे से छोटा विलन भी आपकी बहुत सारा डैमेज ले जा सकता है। अबे यार ये मुझे बड़े गंदे लगते हैं। ओके सामने भी है एक, इसके पास कैसे जाएं? ओके ये आ गया, भाई मुझे लग रहा है मर गया। फिर यार काफी टफ है, इस तरीके से अरेंजमेंट कर रखी है ना लोगों की, कि मतलब हर तरफ से हमला, मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी है इस गेम को टफ बनाने की, लिटरली काफी टफ है। फिलहाल हमें तो लूट के भाग लेना है, एक बंदा और बचा है। अरे यार मेरे ख्याल से मैं कूद सकता हूँ वहां पे, अब लूटने के लिए है तो कोई ना कोई तरीका तो होगा ही, मतलब यही तरीका होगा, लेकिन कूद नहीं पाया मैं। कोई बात नहीं, इस बार कूद जाएंगे, कूद गए। एक सेकंड, अंदर कोई बंदा है बात करने के लिए। Told those morons to give it a rest, but they don't. They just keep sending more. Such a pain in my तो ये बेसिकली बोल रहा है कि मैंने उनसे बोला रुक जाओ भैया रुक जाओ, लेकिन वो हमला करने लगे वगैरह वगैरह, ये कुछ परेशान था बस। और ये कह रहा है कि लेकिन तुम अलग हो, तुम लड़ाई झड़ाई वाले नहीं हो सर। तो अपने बारे में बता रहा है, ब्लैक हेड बैजर नाम है शायद इस बंदे का, और ठीक है हमने जवाब ही नहीं दिया। मेरे ख्याल से ये भी कोई बेचने वाला ही होगा, क्योंकि हर कोई जो भी मिल रहा है वो बेच ही रहा है हमें, काम की चीजें। Something like that, sure. By the by, I'm a little out of pocket these days. Got the goods, but no. ये कह रहा कि भैया आजकल मेरे पे पैसा नहीं हो रहा, लेकिन बेचने के लिए चीजें हैं, क्या तुम खरीदना चाहोगे? देखते हैं क्या है भाई के पास। ओके हम बस दो चीजें खरीद सकते हैं, एक है आयरन फोर्ट्रेस, ओके ये प्रोस्थेटिक टूल है, मेरे ख्याल से काम का हो सकता है, और एंटी डेथ ब्लो टेक्स्ट है। बेसिकली बोल रहा है कि अगर हवा में होगा कोई हमारा एनिमी और उन्होंने गार्ड नहीं कर रखा होगा, तो हम उसको डेथ ब्लो दे सकते हैं। तो एक नई टेक्निक हो गई, एक ही चीज खरीद सकते, इतना पैसा है नहीं। अपना पर्स खोलते हैं और ठीक है हम प्रोस्थेटिक टूल लेते हैं, वो ज्यादा काम आएगा।
ओके, कितने का था ये? 1270 रुपये हैं हम पे, ज़्यादा ज़्यादा का ही आई गेस। ₹1370 है हम पे गाइस, मेरे ख्याल से मैं भूल गया हूँ कि कीमत क्या है। चलो कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। किधर गया किधर गया ये रहा। इससे ज्यादा का तो नहीं था। अच्छा 1600 का है, 200 रुपये और। शिट यार, मैं कोई सा भी खोलूंगा 500 रुपये निकलेंगे। सोच रहा हूँ 200 रुपये कमाई लूँ, क्योंकि फिर पैसे वेस्ट हो जाएंगे ना, वरना मरने के बाद वैसे ही कॉइन्स कम हो जाते हैं। अब बंदों को मारने के लिए ऐसा करता हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करता गाइस, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करते, रेस्ट करता हूँ। ये बंदे फिर से आ जाएंगे, इनको मार के पैसे इकट्ठे करके प्रोस्थेटिक टूल खरीद के यहीं पर मिलते हैं आपसे गाइस, फिर आगे जर्नी चालू करते अपनी। तो गाइस मैंने खरीद लिया, अब देख सकते हो सब बंदे मेरे पीछे पड़े हुए, मैंने सबको नहीं मारा, सिर्फ उनको मारा, मतलब जितना पैसा इकट्ठा हो गया था हो गया, तो एक्स्ट्रा क्यों मारना, अपना भी टाइम वेस्ट करना, सबका करना, और बंदे पीछे पड़े हुए हैं। कोई बात नहीं, इनको टपकाने के बाद हम मारने खल लेंगे। एक गया एक बाकी, ओके ये तो शायद चला ही गया, अब गया तो गया। तो गाइस हम भाग लेंगे, कोई फाइट नहीं कुछ नहीं, इनको मार चुके हैं यार, बार बार मारने में कोई क्या ही फायदा, एक ही जगह को बार बार खेलते रहो तो, क्योंकि तो वैसे ही वापस आ ही जाएंगे। मेरे ख्याल से पीछा कर रहे हैं हमारे, यहाँ पे कुछ है नहीं। ओ भाई साहब आ गए, छुपना होगा। अच्छा वो छुपने की जगह है यहाँ पे, ओके जा रहे हैं, ध्यान हट गया हमसे इनका फाइनली। अरे यहाँ पे कौन है? ओके मंकीज, यहाँ पे मंकी हैं। ज्यादा कुछ है नहीं, एक दो बार मारो और खत्म। ठीक है यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, चलते हैं आगे। तो आगे वैसे सेफ पॉइंट है ये, और ये भी आशीना कैसल का ही हिस्सा है, मतलब हमने आशीना कैसल शायद अब एक्सप्लोर करा है पूरा, अगर कोई और जगह नहीं बची तो, बची गई तो फिर ठीक है देख लेंगे उसको भी। सामने हम जा सकते हैं, सामने पॉइंट था अपने प्रोस्थेटिक टूल से पहुंचने का। देखो ये रहा, ये एल रिवर पता नहीं क्या होगी, कोई चीज होगी, चलो देख लेंगे बाद में, फिलहाल आगे बढ़ते गाइस। 2 दिन का गैप हो गया वैसी वीडियो में, समझ सकते हो गाइस टफ ही है इतना गेम कि क्या करें। और एक्चुअली मैं कोई दूसरा गेम अभी खेल नहीं सकता, दिक्कत ही यही है, क्योंकि अगर खेलूँगा तो इसके मतलब प्रैक्टिस छूट जाएगी, जिस तरीके से मैं खेल पा रहा हूँ उस तरीके से मैं नहीं खेल पाऊँगा, और फिर इस गेम का एंड नहीं हो पाएगा। इस गेम में काफ़ी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ेगी।
तो वहां पे बंदे थे। बहुत सही। दिक्कत ये है कि जब मैं आऊंगा कूद के उनका अगर लग गया मेरे को तो मैं सीधे गिर जाऊंगा। ओ शिट, सामने मुझे लगा मैं पकड़ लूंगा लेकिन नहीं पकड़ पाया। अब आजा आजा आजा। अरे यार शिट। ठीक है ऐसा करते हैं, हम पावर बढ़ा लें क्या? पहले बढ़ा ही लेते हैं। तो याद रखना गाइस, हम ऊपर से आए हैं यहाँ पे और पीछे जाने की भी एक जगह दे रखी है और आगे तो हम जा ही रहे हैं। पता नहीं कि मेन रास्ता कौन सा है। फिलहाल ये चीज़ें तो हैं। तो ओके, मैं डायरेक्ट राइट वाले पे भी जा सकता था। मैंने फालतू में स्प्रिट एम्बलम यूज कर ली। ओके तो यहां पे चढ़ सकते हैं। शिट यार गिर गया मैं, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? चलो इस बार पकड़ लिया हमने गाइस और अब चलते हैं। हो सकता है यही मेरा रास्ता हो, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वापस चलते हैं मगर, अगर ये मेन रास्ता है तो आप समझ सकते हो हम यहाँ पे नहीं जा सकते, पहले हमें पीछे एक्सप्लोर करना पड़ेगा। देखो ऊपर का दे रहा था, ये ऊपर जाने का रास्ता है। अब पीछे भला हम क्यों जाएंगे, पावर बढ़ाते हैं और जल्दी से आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली इस पॉइंट पे जब हम एशिना कैसल में, मैंने कई सारी मतलब बहुत एक्सप्लोर करा था इसलिए मैंने कई सारे सीन तो काटे हैं, क्योंकि लिटरली ढूंढने में काफ़ी टाइम लग रहा था। मैं एक ही जगह हट के जा रहा हूँ। एशिना कैसल जो है थोड़ा सा मतलब मैंने कॉम्प्लिकेटेड बनाया है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है वैसे, एक बार आप खेल लेते हो तो पता चली जाती हैं चीज़ें। मैं एक ही जगह पे, आप कहीं भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये इसके बाद ये। अब मैंने गलती से फिर से अपनी स्प्रिट एम्बलम यूज कर ली। कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बस कूदना है। एंटीडोट पाउडर मिला है गाइस। तो बेसिकली इससे होता क्या है कि अगर पॉइजन किसी ने हमने छिड़क दिया हो, जैसे कि ये महाराज जिनको हमने टपका दिया, तो हम पे पॉइजन जो होगा वो सारा का सारा मिट जाएगा, पॉइजन का असर नहीं होगा। अरे यार शिट, वैसे नया सेट टूल है मेरे ख्याल से, वो शील्ड है उसको भी यूज कर सकते हैं। मतलब इससे नहीं, किसी बड़े बड़े विलेन से, ये तो छुट्टू छुट्टू एकदम गया। एक सेकेंड, यहाँ पे सेव करने का पॉइंट है, सेव कर लेते हैं। और यही मेन जगह है, मतलब हमें पीछे जाके देखना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। तो ये बोल रहा है कि बेसिकली यहाँ पे गन फोर्ट है, मतलब कि, और ये अपने बारे में बता रहा है कि ये अनप्रिपेयर्ड है और पिट गया बेसिकली। और सैन पाओ टेम्पल की बात कर रहा है, ये सैन पाओ टेम्पल तो नहीं है, तो सिनकन वैली है। सो बेसिकली अच्छा मुझे समझ में आया कि इस रास्ते पे आते वक्त हमें एक शील्ड क्यों मिली। और एस्थेटिक टूल जो है मैंने आपको दिखाया नहीं है, बट जो भी हमें बुलेट्स पड़ेंगी तो उससे हम बच सकते हैं अपने प्रोस्थेटिक टूल्स की मदद से। फिलहाल हमें मेरे हिसाब से पीछे की ओर जाना चाहिए।
ऑब्वियसली, क्योंकि ये आगे का रास्ता है। चलते भक्ते हुए जाते हैं, ना किसी से लड़ाई ना कुछ, एकदम भक्ते हुए। वाह कमाल है। अब पावर तो चाहिए ना। ठीक है, अब माहौल हो गया है शांत, पावर भी हो गई है पूरी। अब भगते हैं जल्दी से, साइड से भगेंगे, देख ही लिया मगर। अरे यार शिट, ये बिल्कुल नहीं पसंद आया मेरे को। अच्छा इधर ही जाना है, मुझे लगा यहाँ पे कोई रास्ता होगा, सामने ही जाना है। चलो मर गए। अरे यार यार क्यों हो रहा है ये संकेत वैली, शर्म नहीं आई इसको। जाएगा ऊपर, ओके ऊपर। तुम जहां से आए थे वहां पे तो पहुंच चुके, अब पता चल गया पीछे का रास्ता। चलते हैं जल्दी से। अच्छा डायरेक्ट जा सकते हैं, मेरे को डर लग रहा था। फिलहाल पकड़ लिया, जल्दी से निकलते हैं। ठीक है, ये अशीना की आउटस्कर्ट्स है, यानी कि बाहर का इलाका। हम संकेत वैली में नहीं है अभी। ठीक है, लूटने की चीजें हैं गाइस। ठीक है, मुझे लगा कोई बॉस वॉस हो सकता है। एक बंदे ने देखा हमें, अच्छा प्रेयर पैड मिली है भाई, ये कमाल की चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा हुआ हम यहाँ पे आए, वरना मेरे को दुख होता। अगर पता ही नहीं चलता क्या है तो दुख भी नहीं होता, बट स्टिल प्रेयर बिल्ड से हमारी पावर बढ़ती है भाई। ओके पीछे भी चीज है कुछ, ठीक है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब नहीं है तो चलते हैं वापस। तो गाइस मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तो हम पहुँच गए हैं, अब पहुँच गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ओके ये इतना नीचे है कि हम वापस ऊपर नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, बार बार हमले हो रहे हैं हम पे। ओके सामने बॉस है, स्नेक आइज शरापू जी। मैंने इसको सामी मारूप से अटैक कर दिया, अब इसको पॉइजन हो चुका है। हाँ कोई बड़ा बॉस नहीं था ये, चुटकी में मार दिया। जैसे ही पॉइजन्ड हो गया ये, इसका पोस्चर बहुत ज्यादा ब्रेक हुआ। गया तू बेटे, ये
कुछ खास स्टफ था नहीं, चलो कोई बात नहीं। अरे साबी मारू की वजह से, क्योंकि एंड वाली फाइट में जब साबी मारू खत्म था हमारे पर स्प्रे टेम्पलम, क्योंकि उससे यूज होते हैं प्रोस्थेटिक टूल्स, तो मतलब टाइम लगा, बट पहले टाइम ही लगा। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ है गैस। ओके बंदा है, अच्छा ऊपर चलना है हमें। ओके बंदों ने हमें देख लिया और सामने है ब्रिज। एक सेकंड, मैं प्रोस्थेटिक टूल का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही बच पा रहा हूँ तो क्या ही यूज करना। अच्छा बेटे रुक, तुमने तो मेरी बात लगा दी, मार मत दियो। मैंने फिर वेस्ट कर दिया, कोई बात नहीं, चलो क्या ही कर सकते हैं, अभी आदत नहीं है ना मेरे को, नया नया टूल मिला है। यह है कि एक बार डेथ ब्लू की जगह मैं बार बार दबा देता हूँ, ताकि एक बार में ना पड़े तो मेरी पोजीशन सही हो जाए, लेकिन दूसरी बार में तो निंजुत्सु अटैक हो जाता है। हाँ ये निंजुत्सु अटैक सिर्फ बैक स्टैप करने से होता है, मतलब पीछे से वार, पीछे से डेथ ब्लो देना पड़ेगा ओनली तभी। तो कुछ बंदे हमारा वेट कर रहे हैं, ठीक है भाई करो वेट करो तुम, और कोई जगह है नहीं, मारना ही पड़ेगा। ये क्या फूट रहा था यार नीचे, शायद माइंस वाइंस थी क्या। बेटे मरेगा तू, देखा कहा था ना, तू भी रुका भी। अरे भाई पीछे से मार रहा, शर्म नहीं आ रही। तो आ गई बंदे, लेकिन यहाँ पे एक बंदा है परेशान कर रहा था, रुको उसको मारे पहले। ठीक है साहब चला जाए अब। ठीक है यहाँ पे मामला पानी जो है वो थोड़ा शांत हो चुका है, अब हम पीछे से बैक स्टेप कर सकते हैं। वैसे ही बड़ा परेशान करता था ये वाला, आसानी से मर गया इस वजह से। ओके आ तो रहा यार, बैक स्टेप नहीं कर पाऊंगा, देख लिया। Thank you.
अब इसको तो पता ही नहीं चला, हमने ऐसे ही मार दिया इसको। शायद कोई कमजोर विलेन होगा। तो फिलहाल गाइस थोड़ा कंफ्यूजन में निकला है एपिसोड, मतलब लेकिन अब कुछ है नहीं ऐसा मेरे ख्याल से, तीन जगह से ज़्यादा है नहीं, मतलब बहुत सारी जगह एक्सप्लोर कर ली है। लेकिन एशिना कैसल में अब हमें हर जगह पता है कि कहाँ कहाँ जाना है, मैं गिरने से बचा वैसे अभी। तो आज इस एपिसोड में इतना ही, आगे एक्सप्लोर करेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। और अब क्योंकि कोई कन्फ्यूजन है नहीं, तो मैं अगले एपिसोड में हर एपिसोड में आपको मैक्स बॉसेस से फाइट करते हुए दिखाऊंगा। तो तब तक के लिए बाय।